अंबा के प्रपोजल के बारे में क्या सोचा? तुझे किसने बोला? किसने बताया मतलब? पूरे ऑफिस को पता है। होर्डिंग से एड सारे हट चुके हैं, कंपनी खरीद ली गई है, तो भैया आप एफएम रेडियो के प्रपोजल का करना क्या है? राइट। वेट अ सेक, तुझे लगा मैं तुझसे कुछ और पूछ रहा हूँ, राइट? नहीं। आई गॉट इट। तुझे लगा मैं तुझसे अंबा के मैरिज प्रपोजल के बारे में पूछ रहा हूँ। ये किसने बताया तुझे? एक्सक्यूज मी, तेरा कॉलीग बाद में हूँ, तेरा दोस्त पहले हूँ। तेरी फैमिली मेरी फैमिली, तेरी लाइफ में जो हो रहा है वो मुझे नहीं पता चलेगा तो किसे पता चलेगा? एनीवेज, ये मुझे पता था मगर मैंने पूछा नहीं। क्यों? क्योंकि काम पहले आता है मेरे भाई। अब जब टॉपिक निकल ही गया तो बता देना क्या सोचा है। और मेरी माने तो अंबा को हाँ कर दे, बिकॉज उससे ज्यादा अच्छी लड़की तुझे नहीं मिलने वाली। मुझे चाहिए नहीं। What's wrong with you? क्यों नहीं चाहिए? I mean, क्या कमी है अंबा में? हर लिहाज से तेरे स्टैंडर्ड, तेरे क्लास की लड़की है, रिजेक्ट कर रहा है यार। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे आसपास के लोगों को हो क्या गया है। तू अंबा को रिजेक्ट कर रहा है, वो कनिका। माय गॉड, कनिका पे पता नहीं क्या भूत सवार हो गया आज। यू नो व्हाट, उसे अचानक लगने लगा है कि विधि, माइंड यू विधि, परफेक्ट मैरिज मटेरियल है। होता है पूरा तो सुन, परफेक्ट मैरिज मटेरियल फॉर अर्जुन। वो चाहती है विधि और अर्जुन की शादी हो जाए। है ना चटका? मुझे भी ऐसे ही लगा। मैं ना सारी लड़कियों को छोड़ के वो लोअर मिडिल क्लास विधि, मेरे अर्जुन को बोला, अर्जुन घूम फिर, ठीक है एक नहीं 10 लड़कियों को घुमा, पर काम पे फोकस कर, शादी सोचना भी मत। बिल्कुल नहीं, करेक्ट किया ना? हाँ ठीक किया, क्योंकि अर्जुन की थोड़ी शादी करने का उम्र अच्छा है। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता, काम मेरा लंदन रिटर्न, अर्जुन काम छल्ली विधि, नो मैच। मैंने कनिका को क्लियरली बोल दिया, अगर अर्जुन के हॉर्मोन्स इतने उछल रहे तो नो प्रॉब्लम, उसे कहो विधि को घुमाए फिराए, कॉफी शॉप्स ले जाए, अरे मैं तो कहता हूँ डिनर डेट्स पे ले जाए, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, बस शौक पूरा करे, उसके बाद अर्जुन एक तरफ विधि एक तरफ। अरे ऐसी लड़कियां शादी लायक थोड़ी ना होती हैं। मैं जब अर्जुन की उम्र का था 8-10 विधि जैसी लड़कियां पीछे पड़ी रहती थी, मैं मुड़ के नहीं देखता था, यू नो दैट। शादी तो दूर की बात है, अरे हमें अपना स्टैंडर्ड देखना पड़ता है, क्लास देखनी पड़ती है। ऐसी लड़कियां तो यूज एंड थ्रो होती हैं, यूज करो और खत्म। योगेश, हाउ डेयर यू, किसने हक दिया तुझे कि तू विधि पे कोई कमेंट पास करे? किसने हक दिया? क्या विधि ऐसी है? विधि ऐसी क्या कर रहा था? क्या बोल रहा था तू कि विधि जैसी लड़की की तरफ तू दोबारा देखेगा नहीं? उल्टा है योगेश, उल्टा है, विधि जैसी लड़की तेरी तरफ जिंदगी में एक बार भी नहीं देखेगी। लायक का तो पता नहीं है उसका, लेकिन तू तो उसकी एक भी नजर के लायक नहीं है, समझा? भूल गया था है? जब मैं कनिका को नौकरी से बाहर निकाल रहा था तो कौन आया था बीच में? किसने बचाया उसको? किसने बचाया? विधि आई थी बीच में, बिना सोचे बिना समझे बीच में आ गई थी। ये कहने लगी कि इसको नौकरी से बाहर मत निकालो, ये विधि। तूने जिंदगी में अभी तक जितने अच्छे काम किए होंगे ना, उनको अगर एक तरफ रखेगा ना, तब भी उसके उस एक जेस्चर के बराबर ही नहीं कर पाएगा, समझा? क्या हो गया तुझे? बहुत बढ़िया कर रहा है यार। और क्या बोल रहा था तू? तू क्लास की बात कर रहा था ना, तो योगेश लेट मी टेल यू, पैसे से क्लास नहीं आती है, सोच से आती है, ओके? और उस मामले में विधि तो तुझसे बहुत क्लासी है। ओके ब्रो, काम डाउन यार, काम डाउन, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। तेरा जो मतलब था मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे कैबिन में मेरे सामने तू विधि के बारे में कुछ नहीं बोल सकता। विधि क्या,
तू किसी भी लड़की के बारे में ऐसी गंदी चीप बातें मेरे सामने नहीं कर सकता। इस मामले में मेरा टॉलरेंस लेवल जीरो है, जीरो टॉलरेंस। ओके ओके ओके, आई गेट दैट, नोट कर लिया मैंने। और ओके और सॉरी यार तुझे। ओके तुझे ओके ओके। Now